हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू स्टडी न्यूज़। संयुक्त राष्ट्र महासभा द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने 2020 से हर साल 7 सितंबर को द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाने का निर्णय लिया है और द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज को अडॉप्ट किया गया था 19 दिसंबर 2019 को जनरल असेंबली द्वारा। इस वीडियो में हम जानेंगे इस डे के महत्व के बारे में, ये पर्यावरण के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ काम करने वाली द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिजन CCAC और कोरिया ने मिलकर इस दिन को मनाने का सुझाव रखा था, जिसके बाद इस निर्णय को लिया गया। एनवायरनमेंट के प्रति पब्लिक अवेयरनेस को रेज करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के लेवल्स शामिल है, जिसमें इंडिविजुअल, कम्युनिटी, कॉरपोरेट और सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर जन जागरूकता फैलाने का है। इसी से रिलेटेड भारत में इंडियाज़ इनिशिएटिव फॉर क्लीन एयर सिस्टम ऑफ ऑल क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र प्रोग्राम चल रहा है। इसके तहत वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और शोध प्रणाली को सफ़र एक नेशनल इनिशिएटिव है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने शुरू किया है। ये एयर क्वालिटी को मेज़र करने में हेल्प करेगा और ये किसी भी शहर के स्पेसिफिक लोकेशन की ओवरऑल पोल्यूशन लेवल को मेज़र कर सकता है। इस सिस्टम को डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी IITM द्वारा और इसका संचालन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा 24/7 आवर्स में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी होती रहेगी। इस प्रोजेक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके शहर के एयर क्वालिटी के बारे में पब्लिक को अवेयरनेस इंक्रीज कराना और उचित उपायों और सिस्टमैटिक एक्शन के द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ये तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और हवा की दिशा, पराबैंगनी विकिरण और सौर विकिरण जैसे सभी मौसम मापदंडों पर निगरानी करता है। इसके द्वारा पोल्यूशन की मेज़र PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ट्रायोलिन, ज़ाइलिन और मरकरी शामिल हैं। अब बात करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स को 2014 में वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन के आउटलाइन के द्वारा जारी किया गया था, जिसके द्वारा एक आम आदमी अपने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को समझने के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का उपयोग कर सकता है। इसे पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए रियल टाइम बेसिस पर बड़े शहरों में एयर क्वालिटी मेज़र करने के लिए शुरू किया गया है। वायु प्रदूषण को वायु गुणवत्ता की माप को 8 पोल्यूटेंट्स के आधार पर मापा जाता है, जिसमें पर्टिकुलेट मैटर PM 10, पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड भी शामिल है। अब बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने देश में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत NCAP का 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2024 तक PM 10 और PM 2.5 को 20-30% की कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होगा। इस योजना ने इससे पहले 23 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज वाले शहरों की पहचान की थी और अब इसमें 20 नए नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को भी जोड़ दिया गया है। NCAP पर वायु गुणवत्ता के बारे में लेटेस्ट डेटा ट्रेंड शामिल है। सो ये थी पूरी जानकारी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।